कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं और हम सब की तरफ से आपको गुजरी हुई बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक और सॉरी आपको बहुत लेट ब्लॉग मिल रहा है ईद का और बहुत लेट हम आपको विश कर रहे हैं। ज़रा थोड़ा बहुत घर में क्या मतलब, थोड़ा सा शेड्यूल इस तरीके से हो गया था, बिज़ी शेड्यूल था जिसकी वजह से मैं व्लॉग बना लिया था लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर सकी, तो इसलिए बस मैंने आज सारे व्लॉग को एडिट किया, साथ में अपलोड कर रही हूँ और बस ये यहाँ पर हम। और अच्छा, इस व्लॉग के अंदर बकरा ईद का फर्स्ट डे, साथ में चांद रात और जो हमारे जिस दिन जानवर आए थे तो वो सारा व्लॉग मिक्स है, तो बस आप लोग खुद ही देखिएगा और ख़ुद ही समझ जाइएगा कौन सा डे का व्लॉग है। तो बाकी यहाँ पर बस ये कुछ हम लोगों ने जानवर लिए थे तो ये उसकी वीडियोस वगैरह मैं बना रही थी और बच्चे यहाँ पर बैठ के मतलब जब तक कुर्बानी नहीं, बच्चे इनके पास से हटते ही नहीं थे बिल्कुल भी, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही होती है ईद की खुशी बकरा ईद की। बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस तरह से, बकरे गायें ये सारी चीज़ें मतलब जितनी भी होती हैं जानवर उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मतलब बच्चे फील करते हैं। तो बस ये छोटा सा हमारा व्लॉग है बकरा ईद का और साथ में जो कुर्बानी हुई थी उस सब का और चांद रात का रिमिक्स है, तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। और फिर बहुत मज़े के साथ चांद रात इन्जॉय करके अगला दिन ईद का स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पर अब्बू किसी से ईद मुबारक के लिए फ़ोन कर रहे थे और अम्मी यहाँ पर बैठ के अपनी इंसुलिन लगा रही थी क्योंकि अम्मी को जिस तरह से आपको पता है डायबिटीज़ है, तो जिसकी वजह से अम्मी यहाँ पर नाश्ता करने से पहले इंसुलिन लगा रही थी। और उसके अलावा यहाँ पर कुर्बानी के लिए जो कसाई होते हैं वो आ गए थे, तो बस यहाँ पर समी और जो मेरे बड़े जेठ हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे ईद की, तो बस उन्हीं का वेट कर रहे थे कि वो जल्दी से आएँ ताकि उसके बाद फिर जल्दी से कुर्बानी स्टार्ट करें। तो यहाँ पर दोनों बच्चे बैठ के अब्रिश और ये मिराल दोनों बाहर देख रही थी और इसके बाद फिर समी नमाज़ पढ़ के आ गए थे, फिर इसके बाद समी नमाज़ पढ़ के आ गए थे और यहाँ पर अम्मी से ईद मिल रहे थे और बच्चों से ईद मिल रहे थे। रो क्यों रही हो, रोते नहीं गुना, ऐसे थोड़ी रोते तो जन्नत में गए हैं।